हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट के कार्यपालक अभियंता कुमार अरविंद जी मौजूद है। सर, सबसे पहले बातचीत करने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। सोशल संवाद को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस मुद्दे को सबसे पहले रखा जनता के सामने में, और उसका असर है कि सभी बुद्धिजीवी जो भी पर्यावरणविद हैं वो इस तरफ उनका ध्यान आकृष्ट हुआ, और जिसको भी को भी समझ में आया कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है, और उन्होंने अपनी भूल को सुधार करने का प्रण लिया है। इसी क्रम में आज देख रहे होंगे कि ये जो पिलरिंग है और वाल है उसको हटाने का काम जिसको द्वारा किया जा रहा है, इसके लिए उनको मैं सर्वप्रथम साधुवाद देता हूँ। सर, इस पूरी प्रक्रिया के बारे में बताइए, अगर ये हो जाता तो किस तरीके का नुकसान होता है, और कुछ इसके बारे में बताइए, इन चीज़ों के बारे में। देखिए, नदी की एक अपनी क्षमता होती है, और वो क्षमता रिड्यूस नहीं होनी चाहिए, वो क्षमता कम नहीं होनी चाहिए। अगर उस क्षमता को हम कोई भी कृत्रिम रूप से अवरोध करेंगे, कृत्रिम रूप से कहने का मतलब है कि जैसे ये इंक्रोचमेंट है, तो यहाँ पर नदी का जो आप उधर सेक्शन देख रहे हैं वो सेक्शन कम हो जाएगा। कम होने का असर क्या होगा कि उसके अपस्ट्रीम में पानी का लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, और वहाँ जो देख रहे हैं आप जो लो लेवल है अभी, पानी आज से 10 साल पहले वो पानी उधर नहीं जाता होगा, लेकिन इसी तरह का इंक्रोचमेंट का असर होता है कि वो पानी उस पार में चला जाएगा, और इस तरह का बहुत सारा लो लैंड एरिया है जहाँ पर पानी घुसने का डर है, खास करके आदित्यपुर साइड में, यहाँ इंक्रोच होने से। वैसे मुख्यतः ये इंक्रोचमेंट तो है ही, इसके संबंध और भी दो तीन मुद्दे हैं जो नदी इंक्रोचमेंट का मामला जहाँ है उनको भी हम लोग देख रहे हैं, और उसको भी हम लोग चाहते हैं कि टाटा और जुस्को से मिल करके उसको भी हम लोग करेक्ट करें, और जमशेदपुर और आदित्यपुर को सुरक्षित रखना ही हम लोग का मुख्य उद्देश्य है। सर, आदित्यपुर टोल ब्रिज का क्या मामला है, कुछ संक्षेप में बताइए। आदित्यपुर टोल ब्रिज जो है, ये आदित्यपुर टोल ब्रिज कंपनी द्वारा निर्माण इसका हुआ है। ये इंक्रोचमेंट जो आप लोग देख रहे हैं, ये हमको लगता है इसी से जुस्को को भी भ्रम हुआ, क्योंकि उसका अबटमेंट देख रहे हैं आप नदी में है जी। नदी में अबटमेंट होने से ये जमीन क्या है, कचरा फेंकते फेंकते ये प्लेन समतल जैसा हो गया, और उनको लगा कि ये जमीन है, इस पर प्लांटेशन किया जा सकता है। लेकिन मुझे जो एज ए टेक्नोक्रेट्स मुझे ये लगता है कि टोल ब्रिज में एक वे और होना चाहिए था, ताकि नदी की जो चौड़ाई है वो कम नहीं हो। एक वे और होता, जैसे पियर एक पियर और होता, तो यहाँ पर नदी की चौड़ाई कम नहीं होती, और ये जगह भी आपको खाली नहीं दिखता। तो हम लोग टोल ब्रिज से इसका रूपांकन आंकड़ा रिवर क्रॉस सेक्शन इत्यादि की मांग करके जांच कर रहे हैं। अगर ज़रूरत होगी, अगर पता चलेगा कि टोल ब्रिज के निर्माण के क्रम में इसके क्रॉस सेक्शन को कम किया गया है, तो जुस्को के सहयोग से, टाटा के सहयोग से, टोल ब्रिज के सहयोग से हम लोग प्रयास करेंगे कि यहाँ पर नदी का क्रॉस सेक्शन जो कम हुआ है उसको रीस्टोर करें, ताकि इसके बाढ़ आने की समस्या नहीं हो। आपको एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये नदी की जो कैपेसिटी है वो 14,000 क्यूमिक है। आज से 2000 का जो मेरे पास डाटा है, 1973 में एक बाढ़ आई थी यहाँ, जिसमें इस नदी में 15,000 क्यूमिक पानी यहाँ से बहा था, और जिसमें कोई बाढ़ नहीं आया था, केवल लो लैंड में पानी भरा होगा, लेकिन कोई जानमाल की हानि नहीं हुई थी। तो इसकी कैपेसिटी 14-15,000 क्यूमिक है, लेकिन आज की स्थिति ये है कि 6,000-7,000 50% में ही यहाँ बाढ़ आ जाता है। इसके अपस्ट्रीम में एक गजिया में बराज बन गया है, और ईचा में एक डैम बन रहा है। तो वैसी स्थिति होगा तो इसकी कैपेसिटी भर पानी वहाँ से हर साल छोड़ा जाएगा। तो उस परिस्थिति में अगर इस बिंदु को हम लोग ध्यान में नहीं रखेंगे, तो यह जमशेदपुर की जनता के लिए काफ़ी भयावह स्थिति होगा। यहाँ हर साल बाढ़ आएगा, चाहे हम लोग कितना भी इसमें प्रोटेक्शन वर्क कर लें, कितना भी मुआवजा दे दें, उसका सोल्यूशन नहीं है। उसका एकमात्र सोल्यूशन है कि नदी का जो पुरानी क्षमता है उसको रिस्टोर किया जाए, और जल संसाधन विभाग का फोकस उसी बिंदु पर है। सर, उसको लेकर हमारी तैयारियाँ अभी कहाँ तक पहुँची हैं? जल संसाधन अभी जाँच चल रही है, क्योंकि देखिए आपका जो जितना मेरीन ड्राइव है देखने में बहुत अच्छा लगता है, हम लोग भी इससे आते जाते हैं, बहुत सुविधाजनक है, लेकिन मेरीन ड्राइव से नदी का इंक्रोचमेंट हुआ है, तो इसका क्या सोल्यूशन हो, हम लोग अब
दोषारोपण के ऊपर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि टाटा ने बनाया है, जुस्को ने बनाया है, तो टाटा और जुस्को का भी इस शहर को बनाने में कम योगदान नहीं है कि हम उनको एक लाइन में दोषी बना लें। लेकिन जो भी इसके डेवलपमेंट के कारण जो भी नुकसान पर्यावरण को हुआ है, उसको रिस्टोर करने में हम उनसे भी अपील करते हैं कि आप भी हमारी सहयोग करें, क्योंकि नदी के उस किनारे को भी हम लोग पिचिंग करने जा रहे हैं। ये केंद्र सरकार की योजना है कि आप जितना भी फ्लड प्रोन एरिया है उसको आप लोग पिचिंग करके उसको रिस्टोर कीजिए। तो उसी क्रम में हम लोग चाहते हैं कि नदी की जो पुरानी क्षमता है उस क्षमता को भी हम लोग रिस्टोर करें। उसी क्रम में आंकड़ा भी इकट्ठा किया जा रहा है, जिसमें हम अपेक्षा करते हैं टाटा से, क्योंकि आदित्यपुर टोल ब्रिज भी टाटा की ही एक इकाई है, कि उसमें सहयोग करें, हम लोग को आंकड़ा दे और इसका जो भी तकनीकी समाधान है उसमें वो बढ़ चढ़ के सहयोग करें और आदित्यपुर और टाटा को बचाने में वो अहम भूमिका निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये जिनसे हम वार्तालाप में थे, ये स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट के कार्यपालक अभियंता हैं और इन्होंने जो है यहाँ पर सोशल संवाद की खबर का जो असर हुआ उसको भी लेकर हम आप लोग को ये वीडियो हम ये शूट कर रहे हैं कि आपको बता रहे हैं कि किस तरह यहाँ पर अतिक्रमण हो रहा था और किस तरह से कवरेज के बाद आपको यहाँ पर असर देखने को मिल रहा है। कि देखिए जितने भी पिलर यहाँ पर लगा दिए गए थे उन्हें यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। सर कुछ और आप हमें अगर कहना चाहें तो ज़रूर बताएं सर। इस जगह को देखने से ऐसा लगता है कि जो भी हम लोग का रिवर क्रॉस सेक्शन है, इस तरह से अगर इधर दिखाइए थोड़ा, इधर इस तरह से अगर इसको एजिटी छोड़ देंगे मिट्टी को, तो क्या होगा कि यहाँ पर फिर से अतिक्रमण दूसरे लोग करने लगेंगे। तो हम प्रयास करेंगे जुस्को के साथ मिलकर कि इस एरिया का हम स्टेपिंग करा दें, सीढ़ी नुमा इसको मिट्टी का ही बना दें, उसके बाद जो उनका पौधारोपण का कार्यक्रम है वो कार्यक्रम वो स्टेप वाइज में करें, तो हम लोग को संभवतः विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी और ये जगह भी बचा रह जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं एबटमेंट ये सामने है, ये सामने से एबटमेंट है, तो इसके इधर जितना है ये सब तो हटाना ही पड़ेगा और इस जो बचा हुआ ज़मीन है उसको स्टेपिंग कर दें। स्टेपिंग करने से अच्छा होगा, यहाँ पर लोग घूमने फिरने आएंगे, बैठेंगे और उसमें जो भी इनका पेड़ लगाना हो या जो भी पौधारोपण का कार्यक्रम हो उस स्टेपिंग स्थल पर कर सकते हैं, ताकि स्लोप रिवर का स्लोप को मेंटेन रहे। तो हम चाहेंगे कि उनसे बात करके और इस चीज़ को उनको सुझाएं कि आप इस तरह से कीजिए। हम लोग भी चाहते हैं कि नदी का किनारा सुंदर हो, मनोरम हो, पर्यटन को आकर्षित करे। इसमें हम लोग से सहयोग लेकर के अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो उसमें हम नहीं समझते हैं कि हमारे अतिक्रमण ना, हाँ अतिक्रमण नहीं भी हो और सुंदर भी हो जाए तो हमारा विभाग ऑलवेज इस चीज़ को अप्रिसिएट करेगा और चाहेगा कि इस तरह का काम हो। नदी से निर्ममता का एक दृश्य अभी से कुछ दिन पहले हमने इसका कवरेज किया था यहाँ से, और ये खरकई के पास आदित्यपुर टोल के पास जो कदमा के पास जो ये ब्रिज है, ब्रिज के पास यहाँ पर ये इलाका है जो 350 मीटर लंबा और 150 फीट चौड़ा ये एरिया है नदी के किनारे, जिसे जो है एनक्रोचमेंट किया जा रहा था, इस पर अतिक्रमण किया जा रहा था। आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर दिखाई अभिषेक पिलर वगैरह भी खड़े कर दिए गए थे और इसको जो है एक प्राइवेट एरिया के तौर पर या किसी और पर्पज़ के लिए इसको यहाँ पर अपने अंडर लेने का कार्य जो है जिसको द्वारा यहाँ पर किया जा रहा था, हमने इस पर प्रकाश डाला। जल संसाधन विभाग भी जो है वो असर में आई और जो जुस्को कंपनी है वो भी असर में आई और सोशल संवाद की खबर का असर कुछ इस कदर हुआ कि आज आप यहाँ पर देख रहे हैं कि देखिए ये सभी पिलर वगैरह यहाँ पर तोड़े जा रहे हैं, सभी पिलर को तोड़ा जाएगा और यहाँ पर भी जो है तरीके से स्टेपिंग वगैरह की जाएगी, जैसा कि जो स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट के जो कार्यपालक अभियंता हैं कुमार अरविंद जी, उनसे भी हमने बात की है, आप वीडियो में देखेंगे तो उन्होंने भी कुछ स्पष्ट बातें कही हैं, चाहे वो आदित्यपुर टोल ब्रिज को लेकर हो, चाहे वो नदी के पास जिस तरह से जलस्तर को लेकर बातें हो रही हैं, जिस तरह से बाढ़ की संभावनाएँ भी बन जाती हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये मरीन ड्राइव को बने हुए समय तो बहुत हो चुका है, बहुत ही ये एक लोगों के लिए सहूलियत भरा रास्ता है, बहुत ही ज़्यादा उनका समय बचता है, काम आसान हो जाता है, समय भी बचता है, लेकिन यहाँ पर जो है कई जगहों पर अतिक्रमण इस तरह से अलग अलग जगहों पर किया गया है, जैसे ये भी किया गया है, ये तो और ज़्यादा उभर कर आ गई ये बात। अगर आप चले जाएंगे पूरे मरीन ड्राइव में तो ऐसे कई इलाके आपको मिल जाएंगे नदी के किनारे जहाँ पर एनक्रोचमेंट जो है वो रेगुलर बेसिस पर किया जा रहा है और वो जो है लोगों की नज़र में भी नहीं आ पा रहा है। उनसे भी बातचीत हमने की और उन्होंने भी जो है इस बात की सराहना की है कि किस तरह देर ही आए लेकिन दुरुस्त आए इसे तोड़ दिया गया है यहाँ पर, और इसको जो अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि वृक्ष वगैरह लगाए जाएंगे, पेड़ वगैरह लगाया जाएगा,
पौधारोपण यहाँ पर किया जाएगा, जो कि ज़रूरी है क्योंकि इतने पार्ट के पेड़ पौधे वगैरह जो है वो सभी हटा दिए गए थे, और जिस तरह से यहाँ पर तेज़ी से अतिक्रमण का कार्य चल रहा था, अब उतनी ही तेज़ी से जुस्को की टीम जो है वो यहाँ पर इसे तोड़ने का काम कर रही है। तो इसकी सराहना हम भी करते हैं और साथ ही साथ ये नम्र निवेदन भी कंपनी प्रबंधन से करते हैं कि आप ही का शहर है, आप ही का बसाया हुआ शहर है, इतना रोज़गार आप लोगों ने दिया है लोगों को, इतना ज़्यादा कमाने का मौका दिया है, पालन पोषण करने का मौका दिया है, जीवन यापन का मौका दिया है, तो ऐसे में अगर कभी कुछ इस तरह की चीज़ हो जाती है, जैसे स्वर्णरेखा नदी है, खरकई नदी है, ये हमारे शहर की शान है और इससे ना जाने कितने लोगों को पीने का पानी भी मिलता है, इस्तेमाल करने का पानी मिलता है, लोग इससे जो है बर्तन वगैरह भी धोते हैं। खासकर ये मैं उन लोगों के बारे में कह रहा हूँ जो तटीय इलाकों में रहते हैं, नदी के इलाके के किनारे वगैरह रहते हैं, तो उन लोगों के लिए जो है बहुत ज़्यादा इसमें लोगों को मदद मिलती है। लेकिन अगर ऐसे में नदी के किनारे भी एनक्रोचमेंट जैसी एक्टिविटीज़ अगर होती रहीं तो एक बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है कि आगे आने वाले समय में हमारे शहर की ये जो प्रमुख नदियाँ हैं इनका जो भविष्य है वो कितना उज्ज्वल रहेगा या नहीं रहेगा, इसको लेकर ही ये चर्चा मात्र भर से हमने ये वीडियो शूट किया। इस वीडियो को देख लीजिएगा, सबसे बहुत चर्चित ये मुद्दा रहा है कि किस तरह कंपनी द्वारा एनक्रोचमेंट किया जा रहा था, लेकिन जब उस पर आवाज़ हमने उठाई, लगातार हम इस पर प्रयासरत और कार्यरत रहे, और आज आपको फिर से एक बार दिखा दीजिए अभिषेक, देखिए सभी पिलर्स को यहाँ पर तोड़ दिया गया है और फिर से ये एरिया पहले की ही तरह आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर जो है कुछ तरीके से इसे यूज़ में लाया जा सकेगा। हमारे साथ इस वीडियो को शूट कर रहे थे अभिषेक, अब अन्य किसी टॉपिक पर जुड़ेंगे, आपके साथ बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो को भी देख लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, इन्फॉर्मेटिव है, लोगों तक ये खबर पहुंचनी चाहिए, और ऐसा नहीं कि जो आदित्यपुर टोल के पास रहते हैं वही इस वीडियो को देखेंगे, पूरे शहर भर का ये मुद्दा है, हमारा शहर है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, शेयर कर लीजिएगा, अब अन्य किसी टॉपिक पर जुड़ेंगे, आपके साथ बात करेंगे, तब तक के लिए देखते रहे सोशल संवाद। मैं शीजन मिश्रा, जमशेदपुर झारखंड, जय हिंद दोस्तों।